और जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट के तालाबंदी का प्लान सामने आया है अचानक। कॉस्ट फैलेसी कि डिसीजंस आपकी इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन हो रही होती है, ना कि आपके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से। गाड़ी आ चुकी है और मुझे हाई कोर्ट के लिए निकलना है, तो मैं बताना भूल गया था कि आज आपसी पर आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई अहम डेवलपमेंट इस दौरान हुई तो मुहावरे मगर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत ही प्रूडेंट माइंड अप्लाई करते हुए एक बैलेंस्ड हार्मोनी कायम किए हुए हैं इन दोनों के दरमियान में। और जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट के तालाबंदी का प्लान सामने आया है अचानक। अभी सुबह सहरी का वक्त है और अभी मुझे ट्रेवल करना है, तकरीबन 200 किलोमीटर हाई कोर्ट के लिए जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये खबर मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि तालाबंदी का क्या मनसूबा है, और वो इस वीडियो के लेटर पार्ट में मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जरा तैयारी कर लूँ हाई कोर्ट जाने की, उसके बाद मैं आके यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट के डिलेइंग टैक्टिक्स की टू अवॉइड द इलेक्शन ऑफ पंजाब एंड केपी। आप इसे बदनीयती कह सकते हैं, बुजदिली कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे इस सबसे एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, एमबीए में पढ़ा था, वो याद आ गया है। सम कॉस्ट फैलेसी, उसका मतलब यह है कि जब आप बतौर इन्वेस्टर या बतौर बिजनेसमैन किसी एक प्रोजेक्ट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, आपका वो प्रोजेक्ट नहीं चलता, फिर आप सोचते हैं कि इसमें थोड़ी और इन्वेस्टमेंट डालें, थोड़ी और प्रोडक्ट्स डालें, थोड़ी और इसमें एंगेजमेंट्स करें, उसके लिए आप उसमें फर्दर मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं चलता, और इसी तरह से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। वजह उसकी ये बनती है क्योंकि आपकी डिसीजंस आपकी इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन हो रही होती हैं, ना कि आपके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से। आपके सारे डिसीजन इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि हमने अब यहां तक ले आए हैं इस बिजनेस को, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो अब इसमें हम और इन्वेस्टमेंट करें और इसी को हम खींचते जाएं, जबकि दैट इज नॉट पॉसिबल। वो ही सेम सिचुएशन इस वक्त गवर्नमेंट की है, और उनका आर्गुमेंट भी यही है कि हमने अपनी सियासत दांव पर लगा दी है, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब या इमरान खान करेगा या हम करेंगे। एनी हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन तो हो चुकी है, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 11 तारीख तक गवर्नमेंट पैसे जारी करेगी, 21 बिलियन रुपीज इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन थी कि वो इन्फॉर्म करेगा सुप्रीम कोर्ट को अबाउट द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने अपना कंप्लायंस रिपोर्ट 1 पेज की सबमिट की, उसमें उसने मेंशन किया कि उसे कोई फंड्स नहीं मिले और इस वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। उस पे लोगों के इंतजार करते रहे, एक रात इंतजार किया, दूसरा दिन इंतजार किया, दूसरी रात इंतजार किया कि शायद ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आएगा, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस आएगा, लेकिन कोर्ट ने इंतहाई विस्डम के साथ रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और अभी भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल की रेस्टोरेशन पर फोकस रखा है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और जो वाइस गवर्नर या जो सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है, उन दोनों को नोटिस किया है और अपने चैम्बर में तलब कर लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने वजारत खजाना के सेक्रेटरी खजाना और जो सेकंड स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो भी मौजूद है पोस्ट पर, उनको भी तलब कर लिया है। आर्टिकल 190 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973 के मुताबिक हर इदारा, हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का ओबे करेगी, और शायद इसी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने इन्हें बुलाया है कि सबसे पहले ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, और उसके बाद कंटेंट प्रोसीडिंग की तरफ जाया जाए।
और दूसरी और अहम खबर जो मैं आपको बताने वाला था सुप्रीम कोर्ट की तालाबंदी के बारे में, पता है लोग इसे तालाबंदी कहते हैं लेकिन हमारे लिए ये एक स्ट्राइक नोटिस है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पाकिस्तान भर में आज स्ट्राइक की कॉल दी है और उसने कहा है कि कोई भी बुकला हजरात अदालतों में पेश नहीं होंगे, अदालतों की तालाबंदी रहेगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा इतना क्लैरिफाई कर दूं कि एक होती है बार एसोसिएशन, एक होती है बार काउंसिल्स। बार काउंसिल्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं, जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं और जो बार एसोसिएशन हैं वो डायरेक्टली लॉयर से वोट लेकर इलेक्ट होती हैं, जबकि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो डायरेक्टली लॉयर से वोट नहीं लेती, जबकि उनको प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के जो मेंबर हैं वो वोट कास्ट करते हैं, बिल्कुल सेनेटर्स की तरह। जैसे सेनेटर्स को पार्लियामेंटेरियंस के वोट से इलेक्ट किया जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स को प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के मेंबर इलेक्ट करते हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब देखते हैं इस ऑर्डर पे कितना इम्प्लीमेंट होता है। अब स्ट्राइक की कॉल के बाद क्या आज अदालतें खुलेंगी, अदालतों में काम होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। अब मेरी गाड़ी आ चुकी है और मुझे हाई कोर्ट के लिए निकलना है, 200 किलोमीटर का ट्रैवल करना है। ये बताना भूल गया था कि आज 13 अप्रैल है और आज 11 बजे लार्जर बेंच, बल्कि फुल कोर्ट बेंच कहा जाता है इसे, जो कि आधे जजेस से ज्यादा तादाद का बेंच हो उसको फुल कोर्ट भी कहा जाता है और लार्जर भी कहा जाता है। और आज जो अदलिया के बेंचेस की तश्कील और बाकी मामला पर कानून साजी की है असम्बली ने, उसको कुछ बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उसकी समाअत भी 11 बजे मुकर्रर की थी लार्जर बेंच के सामने चीफ जस्टिस की सरबराही में। और उसी के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज स्ट्राइक की कॉल दी थी। वापसी पर आपसे मुलाकात होगी अगर कोई अहम डेवलपमेंट इस दौरान हुई तो, अदरवाइज कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी। अल्लाह।